हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, मैं तहसीन फातिमा, आपकी उर्दू की टीचर हूँ मैं। और मैं सभी बच्चों को इस नए सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, अभी आपका उर्दू पीरियड है, अभी आप लोग उर्दू पढ़ेंगे इस पीरियड में। और उर्दू में आज आप लोग रहनुमाए उर्दू, आपके जो किताब है उस किताब का नाम है रहनुमाए उर्दू। तो रहनुमाए उर्दू में सबक एक पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे? सबक एक पढ़ेंगे। सबक एक में जो है आपका सबक एक का उन्वान है पहेलियां, ठीक है। तो इस किताब की शुरुआत आज आप लोग कुछ पहेलियों से करेंगे, ठीक है। कुछ पहेलियां यहाँ दिया हुआ है, इस पहेलिया को पढ़ना है और पढ़ के इसके माने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस सबक को पढ़ने से पहले हम लोग इसके मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे, इसके माने को जानेंगे, फिर हम इस पहेलिया को पढ़ेंगे और इसके माने को बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए मैं बोर्ड पे कुछ मुश्किल अल्फाज को लिखी हूँ। जैसे है जायका, तो मैं लिखी हूँ जायका। जायका का माने होता है मजा। जायका का मतलब क्या होता है? मजा, टेस्ट। खाजा, खाजा के माने होता है बच्चों खाना। कसैला, कसैला मतलब होता है कड़वा। छबीला, छबीला मतलब देखने में अच्छा लगने वाला। छबीला मतलब देखने में अच्छा लगने वाला। हिफाजत मतलब होता है रखवाली। हिफाजत मतलब क्या होता है? रखवाली। शोला मतलब होता है चिंगारी। शोला मतलब होता है बच्चों चिंगारी, आग की लपट। आग की लपट को हम शोला कहते हैं, चिंगारी कहते हैं। आफत मतलब होता है मुसीबत। नाता मतलब होता है लगाव, रिश्ता, जिससे कोई रिश्ता हो उसे हम नाता कहते हैं, लगाव कहते हैं, ठीक है। उजियारा मतलब होता है रोशनी। परिंदा का अर्थ मतलब होता है उड़ने वाला, ठीक है। परिंदा मतलब उड़ने वाला, यानी कि चिड़िया। ये है आज सबक एक का मुश्किल अल्फाज। तो आप लोग बच्चों पहले इस मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे और इसके माने को जानेंगे, इसके माने को याद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबक एक को पढ़ते हैं। सबक एक में पहेलियां दिया हुआ है। पहला पहेली है, नहीं जायका कुछ है बकरी का खाजा। नहीं जायका कुछ है बकरी का खाजा, नहीं फायदा पर चबाता है राजा। जरा सा चबाया हुआ मुंह कसैला, मगर जिसने खाया बना वह छबीला, ठीक है। नहीं जायका कुछ है बकरी का खाजा, उसमें कुछ कोई जायका नहीं है, बट वो बकरी का खाना है, ठीक है। नहीं फायदा पर चबाता है राजा, उसको चबाने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी राजा मतलब, राजा मतलब लोग या राजा चबाते हैं, ठीक है। जरा सा चबाया हुआ मुंह कसैला, थोड़ा सा चबा लिए उसको मुंह में तो पूरा मुंह कसैला हो जाएगा, कड़वा थोड़ा हो जाएगा। मगर जिसने खाया बना हुआ छबीला, लेकिन जिसने उस चीज को खाया तो वो छबीला हो जाएगा। छबीला मतलब होता है देखने में सुंदर। तो ये पहला पहेली है बच्चों। तो क्या आप कुछ गेस कर पा रहे हैं इसका माने क्या होगा, इस पहेली का माने? नहीं जायका कुछ है बकरी का खाजा, नहीं फायदा पर चबाता है राजा। जरा सा चबाया हुआ मुंह कसैला, मगर जिसने खाया बना वह छबीला। इसका माने होगा बच्चों पान, ठीक है। ये पान होगा, इस पहेली का माने होगा पान, ठीक है। क्योंकि मुंह में चबाने से पूरा मुंह कसैला हो जाता है और पूरा मुंह लाल लाल हो जाता है, कोई फायदा नहीं होता है उसको चबाने से, लेकिन फिर भी लोग मुंह में उसको चबाते हैं शौक से, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो पहला आपका पहेली है उसका माने होगा पान। दूसरा पहेली है, कांधे पे जिसके रहे इसकी करे हिफाजत,
शोर मचाते शोले उगले जब आए कोई आफत, कांधे पे रखे कांधे पे जिसके रहे उसकी करे हिफाजत। यानी कि वो क्या चीज है जो जिसकी कांधे पे रहता है वो उसकी हिफाजत करता है, जिसके कांधे पे रहता है वो हिफाजत करता है। शोर मचाते शोले उगले जब आए कोई आफत, जब कोई आफत आ जाता है कि जब कोई मुसीबत आ जाता है तो वो शोर मचाता है, शोला उगलने लगता है। ऐसी कौन सी चीज है, ये क्या है? आप लोग कुछ गेस कर पा रहे हैं इस पहेली को, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? तो बच्चों इस पहेली का माने होगा, इस पहेली का अर्थ है, इसका मतलब है बंदूक। ठीक है ना, बंदूक कांधे पे रखा जाता है और जो अपने बंदूक कांधे पे रखता है उसकी हिफाजत करता है, वो महफूज रखता है। जब कोई लड़ाई झगड़ा कोई मुसीबत आ जाती है तो ठाए ठाए की आवाज आने लगती है, शोर मचाने लगता है और चिंगारियां, गोली निकलती है तो चिंगारियां निकलते हैं। तो इसलिए इस पहेली का माने होगा बंदूक। आपका तीसरा पहेली है, एक परिंदा ऐसा देखा नहीं कभी कुछ खाता पीता, उड़ता है वह आसमान में धरती से रखता है नाता। एक परिंदा ऐसा देखा नहीं कभी कुछ खाता पीता, उड़ता है वह आसमान में धरती से रखता है नाता। वो कौन सा परिंदा है, कौन सी चिड़िया है जो कभी कुछ खाती पीती नहीं है, जो कभी भी कुछ खाता पीता नहीं है और वो आसमान में उड़ता है और धरती से भी नाता रखता है? आप तो बता सकते हैं ना इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पतंग। ठीक है, पतंग है जो कि उड़ता है और कुछ खाता पीता नहीं है और धरती से भी नाता रखता है। ठीक है ना, वो एक परिंदे की तरह आसमान में उड़ता है और उसका जो धागा रहता है तो वो जमीन पे कोई इंसान लेके खड़ा रहता है, यानी कि वो जमीन से भी नाता रखता है और आसमान में भी उड़ता है और कुछ खाता पीता नहीं है, ऐसा परिंदा है वो। तो उसका इस पहेली का मतलब हुआ पतंग। चौथा पहेली है आपका, आए तो उजियारा लाए, आए तो उजियारा लाए, जाए तो अंधियारा, आज की दुनिया में बिन इसके मुश्किल हो गुजारा। ठीक है, आए तो उजियारा आए, सब जब वो आता है तो पूरा उजियारा लाता है, ठीक है, रोशनी लाता है, उजियारा लाता है। जाए तो अंधियारा, जब चला जाता है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, आज की दुनिया में बिन इश्के मुश्किल है गुजारा, आज की दुनिया में इसके बिन हमारा गुजारा मुश्किल है, हम इसके बिन नहीं रह सकते हैं। तो क्या आप इस पहेली को गेस कर सकते हैं, इस पहेली का माने क्या होगा? आए तो उजियारा लाए, जाए तो अंधियारा, आज की दुनिया में बिन इसके मुश्किल हो गुजारा। तो मैं इसे गेस कर रही हूं बच्चों, इस पहेली का माने होगा बिजली। ठीक है ना, बिजली, लाइट। लाइट आती है तो पूरा उजियारा हो जाता है, जब लाइट चली जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और आज की दुनिया में इसके बिन हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, हम लोग लाइट के बिन नहीं जी सकते हैं। हम लोग लाइट से बहुत सारा काम, बिजली से हम लोग बहुत सारा काम आज कर लेते हैं, तो आज कल के जमाने में बिजली के बिना हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो पहेली है, आए तो उजियारा लाए, जाए तो अंधियारा, आज की दुनिया में बिन इसके मुश्किल हो गुजारा। ठीक है, इसका मतलब बिजली होगा। तो बच्चों ये है आज का आपका सबक एक, इसमें पहेलियां हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसके मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे जो मैं आपको बोर्ड पे लिखवाई हूँ, इसके माने को बताई हूँ आपको, तो सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज को आप लोग बोलना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, इसके माने को जानेंगे, याद करेंगे बच्चों, और इसको याद करके मुझे सुनाएंगे, फिर आप लोग इस पहेलियां को पढ़ेंगे।
ठीक है। और नीचे पेज नंबर 4 में कुछ सवालात दिए हुए हैं, पेज नंबर 4 और 5 में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। हम लोग दूसरे क्लास में जब मिलेंगे तो इस सवालात को हम लोग पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास में यही खत्म करती हूँ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।